वेलकम टू स्टडी टिप्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारे चैनल पर 100 डेज टारगेट बैच का आगाज हो चुका है। आज आपको शेड्यूल मिल जाएगा और कल से रेगुलर आपको मैथ्स, जीके, जीएस, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके के स्पेशल क्लास मिलने लगेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आज का हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे। 26 और 27 जून के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को आज हम देखने वाले हैं। हमारे चैनल पर वीकली करंट अफेयर्स भी लाया जाएगा और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी लाया जाएगा। परीक्षा मंथन जो कि बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है, परीक्षा मंथन का कंप्लीट एनालिसिस, समग्र विश्लेषण आप लोगों के सामने बहुत ही इजी शब्दों में आप लोगों के सामने लेकर आया जाएगा, जिससे कि आप बिना पढ़े परीक्षा वाहिनी को, परीक्षा मंथन को, आपको पूरा उसका नॉलेज हो जाएगा हर मंथ का। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को ज्वाइन करना है और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, यानी कि जो ड्रग होता है, यानी कि जो हम लोग नशा करते हैं, ठीक है, जो लोग नशा करते हैं, हम लोग नहीं, जो लोग नशा करते हैं उसके, ठीक है, उसको वो नशा नहीं करना है। यानी कि ड्रग करने से, नशा ड्रगिस जो होते हैं, जो नशेड़ी होते हैं, ठीक है, तो नशा करने से क्या होता है, उनके फिजिकल हेल्थ पर, उनके मेंटल हेल्थ पर, ठीक है, उसके लाइफ में, उसके जीवन यापन में हर तरह से ये जो नशा है उस पर एक बुरा प्रभाव डालता है। तो ये जो डे है, यानी कि 26 जून को जो मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज, यानी कि नशा के कारण जो हमारे शरीर पर, जो हमारे माइंड, मानसिक रूप से, हमारे शारीरिक रूप से, या फिर यूं बोले कि हमारे जीवन पर जो इसका जो गलत प्रभाव पड़ता है, इसके लिए जो डे मनाया जाता है, इसको, इसके अवेयरनेस के लिए जो डे मनाया जाता है वो है 26 जून। और 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर ये डे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये गलत हो गया, ठीक है, इसके जगह पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो जून में ही मनाया जाता है। और किस दिन मनाया जाता है, तो आपको इसे अभी यहाँ पर रिविजन करवा देंगे। तो 26 जून को ये डे मनाया जाता है। और ये जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग है, इसको यूएन के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, यूएन के द्वारा मनाया जाता है। और यूएन के अभी चीफ कौन है, तो यूएन के चीफ हैं अभी एंटोनियो गुटेरस। और इस डे को जो पहला बार मनाया गया था, ठीक है, इस डे को जो पहला बार मनाया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 1987 में मनाया गया था। तो देखिए क्या होता है, ये जो ड्रग एब्यूज है, यानी कि जो नशा के कारण जो हमारे हमारे लाइफ पर एक बुरा इफेक्ट पड़ता है, वो बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। एक बोल सकते हैं ये ड्रग एब्यूज जो है बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है। और इसके साथ ही, जैसे कि आपको ड्रग, अगर आप ड्रगिस्ट हो गए हैं, तो उसके साथ बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, जैसे कि एचआईवी हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ठीक है। और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है, आपको इससे इकोनॉमिक लॉस, यानी कि आर्थिक क्षति भी होता है। आप अगर ड्रगिस्ट हो जाते हैं, अगर नशा करने लगते हैं, तो आपको इकोनॉमिक लॉस भी होगा, आर्थिक क्षति भी होगा, ठीक है। आप एंटी सोशल बिहेवियर देखते होंगे, आप नशा करने वाले लोग से लोग जो है वहां पर सामाजिक तौर पर उसे घृणा के तौर पर देखा जाता है, या फिर वो एंटी सोशल बिहेवियर करने लगते हैं, जैसे कि अगर वो चोरी करने लगते हैं, वायलेंस करने लगते हैं, ठीक है, क्राइम में ये हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इन सब को देखते हुए जो इंटरनेशनल यूएन के द्वारा 26 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, इसके अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जाता है। हम लोग अपने जितने भी मंथ होते हैं और जो डेज के करंट अफेयर्स होते हैं, इसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उस मंथ से रिलेटेड, उसको एक बार रिवीजन करते हैं। तो आप, ये चल रहा है जून, ठीक है, अब ये जून जो है खत्म होने वाला है, तो हमने पूरे मंथ के इंपॉर्टेंट डेज को रिवीजन किया है। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको कहीं से भी कोई बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। हम लोग देखते हैं कि जून के इंपॉर्टेंट डेज के एक बार रिवीजन करते हैं। 1 जून को दिवस मनाया जाता है ग्लोबल पेरेंट्स डे। 1 जून को, 1 जून को मनाया जाता है। 2 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे, या फिर उसी दिन मनाया जाता है तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 3 जून को मनाया जाता है विश्व बाइसाइकिल दिवस, या विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। अच्छा, 4 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन, विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ठीक है। 5 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इस बार इसका थीम रहा था इकोसिस्टम रीस्टोरेशन।
अच्छा, 7 जून को कौन सा डे मनाया गया? 7 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे, और उसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे उसी दिन मनाया जाता है। 8 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? विश्व महासागरीय दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे। 9 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। 10 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ग्राउंड वाटर अवेयरनेस डे यानी कि विश्व भूगर्भ जल जागरूकता दिवस। ठीक है, वर्ल्ड चाइल्ड लेबर अगेंस्ट डे 12 जून को मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस 13 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? 13 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय 13 जून को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। 14 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, बुजुर्गों के साथ जो क्या होता है कि बुजुर्गों के साथ जो मिसबिहेव होता है, जो दुर्व्यवहार होता है, उसके अवेयरनेस के लिए, उसके जागरूकता के लिए 15 जून को डे मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे, और उसी दिन मनाया जाता है ग्लोबल विंड डे। ठीक है, 16 जून का इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। 17 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट इंटरनेशनल वाला। ठीक है, उसके बाद 18 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल पिकनिक डे और ऑटिस्टिक प्राइड डे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। 19 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड सिकल से अवेयरनेस डे और वर्ल्ड स्पॉन्टरिंग डे। 20 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। 21 जून बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 21 जून का जितने भी डेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड फादर्स डे और वर्ल्ड म्यूजिक डे, विश्व संगीत दिवस। 23 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ठीक है, 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, यूएन लोक सेवा लोक प्रशासन दिवस मनाया जाता है 23 जून को। वही मनाया जाता है इंटरनेशनल विडोज डे यानी कि विश्व अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस भी 23 जून को मनाया जाता है। 26 जून को कौन सा डे अभी हमने देखा, 26 जून को मनाया गया, और 26 जून को ही एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल, इसे याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे 26 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स, इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स एंड टॉर्चर, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट। ठीक है, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स एंड टॉर्चर। ठीक है, इसका मतलब है कि उन लोगों के लिए उन लोगों के समर्थन में जो कि विक्टिम्स हैं, जो कि क्या बोलते हैं कि यातना से पीड़ित हैं, जो यातना से पीड़ित हैं, जो विक्टिम है, उसके समर्थन में 26 जून को इंटरनेशनल डे यूएन के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, यूएन के द्वारा मनाया जाता है, और एक दिवस अभी हम लोगों ने देखा था 26 जून को ही। ठीक है, 26 जून को ही अभी हम लोगों ने देखा कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट एंड ट्रैफिकिंग। ठीक है, और इस बार इसका थीम क्या रहा है? इस बार इसका थीम रहा है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग। ठीक है, शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग सेव लाइव्स। ठीक है, इस बार जो इस डे की थीम रही है 26 जून वाला, इसका थीम रहा है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग सेव लाइव्स। ठीक है, इसे याद रखना है, थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे पूछा जाता है। हम लोग जब जून का मंथ कंप्लीट करेंगे, जून के मंथ को 30 जून तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उसके साथ जो भी थीम रहे हैं उसको भी एक बार रिविजन करेंगे जब जून का मंथ एंड करेंगे। चलिए अब करते हैं कि लक्ष्य तेरा सामने है ओलंपिक का एक थीम सॉन्ग है, ओलंपिक थीम सॉन्ग है लक्ष्य तेरा सामने है। ये जो थीम सॉन्ग है लक्ष्य तेरा सामने है, इस थीम सॉन्ग को किस देश के द्वारा जारी किया गया है? तो हमारा प्यारा भारत ने अभी जो ओलंपिक होने वाला है, ठीक है, जुलाई अगस्त में जो ओलंपिक होने वाला है उसके लिए अपने थीम सॉन्ग के रूप में लक्ष्य तेरा सामने है को जारी किया। ठीक है, और इस थीम सॉन्ग, ये जो लक्ष्य तेरा सामने है जो थीम सॉन्ग है, इसको गाया किसने है? तो मोहित चौहान ने इसको लिखा भी है और इसको तैयार भी किया और इसको गाया भी है मोहित चौहान के द्वारा। ठीक है, मोहित चौहान के द्वारा इसे लिखा भी गया है और गाया भी है। उसके बाद ये जो थीम सॉन्ग है इसका जो मतलब इसको जो रिलीज किया गया, इसको जो जारी किया गया, तो इसके जारी करने के जो उपलक्ष्य पे जो मतलब जो कार्यक्रम किया गया था उसके मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? खेल मंत्री किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू, तो ये बात हो गया। और 23 जुलाई से
23 जुलाई से ये ओलंपिक शुरू होने वाला है, जिसमें कि भारत के 100 से इस बार 100 से भी ज्यादा खिलाड़ियों ने क्वालिफाई कर लिया है। ओलंपिक के लिए भारत की ओर से 100 से भी ज्यादा खिलाड़ियों ने अभी तक क्वालिफाई कर लिया है, और इस बार ये जो ओलंपिक है 23 जुलाई से होने वाला है। ठीक है, ओलंपिक 23 जुलाई से होने वाला है, और ये कहां होगा? तो टोक्यो में होगा। लेकिन ये जो 2021 में हो रहा है, क्या ये 2021 में होने वाला था? नहीं, COVID-19 के कारण इसे शिफ्ट कर दिया गया था, 2020 में ये होने वाला था। हमने ओलंपिक के जितने भी आगामी सेशन है, जो ओलंपिक होने वाले हैं, उस पर भी वीडियो में चर्चा किया है। आप वो वीडियो अगर प्रीवियस देखते आ रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 का घोषणा किया गया। ठीक है, स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 का घोषणा किया गया। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई थी। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई थी, और स्मार्ट सिटी 2020 की जो घोषणा किया गया, इसमें अगर बात करें, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, ये जो प्यारा भारत है हमारा, तो इस प्यारे भारत के 100 शहरों में से 100 शहरों की लिस्ट में कौन से सबसे मोस्ट, मतलब टॉप पे रहा है स्मार्ट सिटी में? 100 शहरों में स्मार्ट सिटी, शहरों के रैंक कैटेगरी में स्मार्ट सिटी जो टॉप पे रहा है, वो इंदौर और सूरत सबसे आगे रहा है। 100 शहरों में स्मार्ट सिटी में, शहरों के मामले में इंदौर और सूरत सबसे आगे रहा है। वहीं अगर राज्य की बात करें, तो राज्य में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर, मध्य प्रदेश दूसरे, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। याद रखेंगे, राज्यों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर, मध्य प्रदेश दूसरे, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। फर्स्ट स्थान किसने लिया? उत्तर प्रदेश, अगर राज्य की बात करें। सेकेंड में कौन है? मध्य प्रदेश। और थर्ड में तमिलनाडु है। ठीक है, और ये जो कार्यक्रम हुआ था, जिसका कि घोषणा किया गया इस कार्यक्रम में, तो ये वर्चुअली किया गया कार्यक्रम का, जो समापन किया गया वर्चुअली, इसका किया गया कार्यक्रम को। और इस कार्यक्रम में, ये जो कार्यक्रम है, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री, ठीक है, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस का जो वर्चुअली हुए इस कार्यक्रम में, ये स्मार्ट सिटी पुरस्कार का घोषणा किया है। ठीक है, राज्यों में उत्तर प्रदेश टॉप किया है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर, 100 शहरों में इंदौर और सूरत सबसे आगे है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, कि राष्ट्रीय टेनिस दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो राफेल नडाल जो है, ठीक है, बहुत ही अच्छे टेनिस प्लेयर हैं, बहुत दिग्गज टेनिस प्लेयर हैं, और इसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर अब राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अभी देखिए, ये जो मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक से कितनी राशि का ऋण लिया है? ठीक है, कितना लोन लिया है मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए? तो भारत सरकार ने $32 मिलियन का ऋण लिया है, लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से। ये देखिए, मिजोरम है यहाँ, ठीक है, मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं, या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, हेल्थ सर्विस की क्वालिटी में बेहतर करने के लिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक से $32 मिलियन का क्या किया गया है? कर्ज लिया गया है। किससे? वर्ल्ड बैंक से लिया गया है, भारत सरकार के द्वारा। बात करें अगर वर्ल्ड बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है Washington DC में, ठीक है, Washington DC US में। और इसका जो स्थापना हुआ था, वो हुआ था जुलाई 1944 में। और अभी इसके चीफ कौन है? अभी इसके चीफ हैं डेविड मलपास। आपको इसे भी याद रखना है, डेविड मलपास। वहीं बात करें मिजोरम की अगर बात करें तो जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा, ठीक है, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर है जोरमथंगा। और यहाँ के मिजोरम के जो अभी राज्यपाल हैं, वो कौन है? पी एस श्रीधरन पिल्लई। आपको ये सारे फैक्ट को याद रखने हैं, पी एस श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। और मिजोरम का अगर राजधानी पूछे तो आइजोल है, ठीक है, मिजोरम का राजधानी अगर पूछे तो आइजोल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, कि गुजरात सरकार ने अभी इलेक्ट्रिक वाहन है उसके उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी में कितने राशि की सब्सिडी देने की घोषणा की है? ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेते हैं तो आपको 1.5 लाख तक का सब्सिडी दिया जा सकता है, ठीक है, 1.5 लाख तक का सब्सिडी दिया जा सकता है। गुजरात गवर्नमेंट ने इसकी घोषणा की है। तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने के द्वारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पॉलिसी, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2021 का शुरुआत किया गया है।
और उस जो पॉलिसी है उसके तहत बोला गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर आपको 1.5 लाख तक के सब्सिडी दिया जाएगा, जिससे कि इससे होता होगा क्या कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लोग यूज करने की ओर बढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए ही ये पॉलिसी लाया गया है और इसमें सब्सिडी देने का घोषणा किया गया है। तो यहाँ पर देखें कि गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दे दी है। ठीक है, दोपहिया या वाहन यानी कि अगर आप टू व्हीलर्स लेते हैं, ठीक है, बाइक लेते हैं तो इसमें आपको 20,000 रुपए तक का सब्सिडी मिलेगा, और अगर आप तिपहिया वाहन लेते हैं यानी कि टेम्पो ऑटो, ठीक है, टोटो आजकल आया है तो इलेक्ट्रिक रिक्शा है, ठीक है, तो इसमें आपको 50,000 रुपए मिलेंगे, और अगर आप फोर व्हीलर लेते हैं, कार लेते हैं, तो उसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। सारे होगा इलेक्ट्रिक वाहन पर, अभी गुजरात के सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2021 की मंजूरी दी गई है। वहीं बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी है जो कि गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा अभी शुरुआत किया गया है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, आप अगर पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से इन विशेषताओं को पढ़ लीजिएगा। अभी हम आपको बता भी देते हैं कि ये जो इसकी विशेषताएं हैं, इसमें है कि जो आने वाले 4 वर्षों में राज्यों में ई वाहनों के उपयोग में वृद्धि करने का लक्ष्य है, यानी कि इसमें ये जो पॉलिसी है इसके तहत जो आने वाला 4 वर्ष है, अभी चल रहा है 2021, और 2025 तक ई वाहन यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग में लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन को यूज करें, उसमें वृद्धि करने का लक्ष्य इस पॉलिसी के द्वारा किया गया है। उसके बाद गुजरात को इस पॉलिसी ई वाहन पॉलिसी के द्वारा इससे गुजरात में ई वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट होंगे उसका हब बनाया जाएगा इस पॉलिसी के तहत। दूसरा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में जो युवा होते हैं उसको स्टार्टअप करने के लिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसको प्रोत्साहित किया जाएगा इस पॉलिसी के द्वारा। वहीं पर अगर बात करें ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन भी बहुत कम होगा और ऐसा अनुमान है कि 6 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इससे कम होगा। अगर इलेक्ट्रिक वाहन का लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो 6 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा, इस जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वर्तमान में जो राज्य है, राज्य में ई वाहनों की चार्जिंग के लिए जो गुजरात है वहां पर 278 चार्जिंग स्टेशन है, लेकिन अब क्या है कि जो मतलब ये जो पॉलिसी है इसके तहत यहाँ पर इस चार्जिंग स्टेशन का संख्या को बढ़ाया जाएगा और 528 तक किया जाएगा। ठीक है, वहीं पर बात करें कि आप अगर इलेक्ट्रिक वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो गुजरात आरटीओ के द्वारा आपको छूट मिलेगी। ठीक है, और इस ये जो इलेक्ट्रिक वाहन आप लेंगे तो इससे आपको 4 साल के भीतर 5 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी। ठीक है, ये सब कुछ विशेषताएं हैं गुजरात ई वाहन पॉलिसी के, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप रिविजन कर लेंगे। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, आप इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ट्रस्टी के पद से इस्तीफा किन्होंने दे दिया है। तो ये वॉरेन बफेट है, इन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ट्रस्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी अभी ह्यूरन रिपोर्ट्स के अनुसार, ठीक है, ह्यूरन रिपोर्ट्स के अनुसार इस सदी के 100 साल में सबसे परोपकारी देशों की एक लिस्ट बनाया गया, टॉप 50 लोगों का एक लिस्ट बनाया गया था, जिसमें टॉप 10 में, ठीक है, टॉप 50 लोगों में से फर्स्ट स्थान हासिल किया था जमशेदजी टाटा ने। ठीक है, जमशेदजी टाटा हमारे इंडिया के हैं, जमशेदजी टाटा ने फर्स्ट स्थान ग्रहण किया। उसके बाद दूसरे स्थान पर रहे थे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बिल गेट्स। ठीक है, दूसरे स्थान पर रहे थे, तीसरे स्थान पर कौन रहे थे, तो हेनरी वेलकम। तो आप अगर पीछे वाले वीडियो को देखते हैं डेली बेसिस पर तो आपको ये सब रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरे स्थान पर रहे थे। अच्छा, भारत के टॉप 50 में दो लोग हैं, भारत के टॉप 50 में दो लोग हैं, एक है अजीम प्रेम जी। ठीक है, अजीम प्रेम जी को जो कि विप्रो के चेयरमैन रह चुके हैं, पूर्व चेयरमैन थे अजीम प्रेम जी, और ये 12वें स्थान पर हैं विश्व के टॉप 50 परोपकारी लोगों में से 100 साल के अंदर। ठीक है, तो ये 12वें स्थान पर थे। ठीक है, और अगर बात करें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को फाउंडर के रूप में, तो मेलिंडा फ्रेंच गेट्स और बिल गेट्स क्या है, इसके फाउंडर हैं, और अभी इसके सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मार्क सुजमैन। ठीक है, ये हो गया बात यहाँ से। अगला है कि नैनो यूरिया प्लांट। ठीक है, अभी हम लोग कुछ दिन पहले सुने थे कि दुनिया का सबसे पहला नैनो यूरिया खाद इफको के द्वारा, जो कि एक लिक्विड फर्टिलाइजर है, नैनो यूरिया खाद दुनिया का सबसे पहला ये इफको के द्वारा ये मतलब बनाया गया है नैनो यूरिया। ठीक है, तो अब क्या किया है, इफको के द्वारा अलग अलग देशों में नैनो यूरिया का प्लांट लगाया जा रहा है। तो अभी इफको ने घोषणा किया है
कि अर्जेंटीना में नैनो यूरिया का प्लांट लगेगा। इससे पहले ब्राजील के साथ भी एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था इपको के द्वारा। ठीक है, इपको क्या है, एक सरकारी क्षेत्र का प्रमुख खाद कंपनी है। ठीक है, फर्टिलाइजर कंपनी है इंडिया का। ठीक है, और ये सबसे पहले ब्राजील की एक क्या बोलते हैं कंपनी है ओसीबी के साथ समझौता किया। उसके बाद अभी अर्जेंटीना के कंपनी है कुपरर। ठीक है, कुपरर और INES। ठीक है, ये दोनों के साथ मिलकर इफको कुपरर और INES के साथ मिलकर ये क्या करेगा, नैनो यूरिया प्लांट अर्जेंटीना में लगाएगा। वही बात करते हैं कि इफको की। ठीक है, तो इफको के अभी एमडी कौन है, इफको के एमडी हैं डॉक्टर यूएस अवस्थी। ठीक है, और इसके मार्केटिंग डायरेक्टर कौन है, यानी कि विपणन निदेशक कौन है, तो इफको के जो मार्केटिंग डायरेक्टर हैं वो हैं योगेंद्र कुमार। और योगेंद्र कुमार ने ही कुपरर और INES के डायरेक्टर के साथ एक वर्चुअली रूप से मीटिंग किया और एक समझौते पर हस्ताक्षर किया कि अर्जेंटीना में हम नैनो यूरिया प्लांट को लगाएंगे। इससे पहले ओसीबी के साथ लग गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर कि WTA यानी कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन 2021 का खिताब जीतने वाली पहली अरब महिला कौन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी बता चुके हैं कि जो पहला प्रथम जो भी होता है विश्व में या फिर इंडिया में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो WTA 2021 का खिताब जीतने वाली अरेबियन महिला है ONS JABEUR। ठीक है, ONS JABEUR जो है ये सबसे पहली महिला है अरब की जिन्होंने WTA 2021 का खिताब जीत लिया है। इन्होंने हराया किसको, डेरिया कसात्किना जो कि रसिया की। ठीक है, जो कि रसिया की है। अगर इसे बात करें तो मूल रूप से ये ONS JABEUR जो है ये कहाँ की है, तो ट्यूनिसिया की है। ठीक है, अच्छा वहीं पर बात करते हैं, इन्होंने हराया रसिया की डेरिया कसात्किना को और ये बन गई पहली अरबियन महिला WTA 2021 का खिताब जीतने वाली। चलिए दूसरा बात करते हैं कि दुनिया का पहला एंटीवायरस, आप देखते होंगे कि जो हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें एंटीवायरस लगाते हैं मैकफी का, तो दुनिया का पहला एंटीवायरस बनाने वाले थे जॉन मैकफी साहब। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जॉन मैकफी जो थे दुनिया का पहला एंटीवायरस बनाने वाले ये थे जॉन मैकफी, और इनका अभी निधन हो गया है। और कैसे हुआ, तो कहा ये जो है स्पेन के बार्सिलोना ठीक है कि जेल में ये बंद थे। ठीक है, कि जेल में ये बंद थे और उन्होंने ये जो डिप्रेशन में आकर जेल में ही इन्होंने आत्महत्या कर लिया। और दुनिया का पहला एंटीवायरस बनाने वाले ये क्या थे, आदमी थे। ठीक है, और इनका अभी निधन हो गया। बहुत ही बड़े टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े दिग्गज के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और बात करें कि इनको जेल किस लिए हुआ था, तो इनको जेल हुआ था टैक्स चोरी करने का इन पर आरोप लगा था और इसके लिए इस पर इनको जेल हुआ था। ये अमेरिका के हैं। और चलिए बात करते हैं कि ये केनेथ कोंडा इनका भी अभी निधन हुआ है और ये जाम्बिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और इनका निधन हुआ था और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट है इसीलिए। ठीक है, अगला बात करते हैं ये गॉटफ्रीड बोहम। ठीक है, ये गॉटफ्रीड बोहम जो कि जर्मनी के हैं। ठीक है, जर्मनी के एक आर्किटेक्ट है, हमने बताया था कि फादर ऑफ आर्किटेक्ट कहा जाता है गॉटफ्रीड बोहम को इस, और इन्हें प्रित्जकर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रित्जकर अवार्डी है ये। ठीक है, गॉटफ्रीड बोहम और इनका भी निधन अभी हाल में हुआ था। और गुरु प्रसाद मोहपात्रा ये DPIIT के अभी सेक्रेटरी थे और इनका भी निधन हो गया था, ये इंडिया के हैं। ठीक है, तो ये बात हो गया ओबिचुरी से रिलेटेड। अगला बात करते हैं कि प्रदीप सिंह टिवाना जो कि ऑस्ट्रेलिया में जो जज के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया ऑस्ट्रेलिया में, तो कहा जाएगा कि आपसे अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया में पहले भारतीय मूल के जज के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो प्रदीप सिंह टिवाना। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। प्रदीप सिंह टिवाना ये जालंधर के रहने वाले हैं, मूल रूप से ये भारतीय हैं। ठीक है, और अभी इन्होंने ये बैरिस्टर थे और अभी इन्होंने
ऑस्ट्रेलिया में जज के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला बात करते हैं कि रामगढ़ 20-धारी वन्य जीव अभयारण्य, ये रामगढ़ 20-धारी वन्य जीव अभयारण्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये राजस्थान में है। ठीक है, और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अभी टाइगर रिजर्व बनाए जाने की मंजूरी दे दी गई है। तो ये जो है राजस्थान में था, ये रामगढ़ 20-धारी वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में है, तो इसे टाइगर रिजर्व बनाने का मंजूरी दे दिया गया है। तो कौन से गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया होगा? राजस्थान के द्वारा ही दिया गया होगा। तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा रामगढ़ 20-धारी वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति दे दी गई है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क में क्या अंतर होता है, अगर आपको इससे जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि हाँ हमें जानना है, तो इस पर एक पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो हम बनाकर आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, बात करते हैं वही राजस्थान की। तो राजस्थान में इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व हुआ करते थे। कौन कौन से? तो सरिस्का, इसे भी आपको याद रखना है, सरिस्का, मुकुंद्रा और रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो राजस्थान में है। और चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में किसे अभी मंजूरी दे दिया गया है? तो रामगढ़ 20-धारी वन्य जीव अभयारण्य। वही बात करते हैं असम की। तो असम में 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। पहले 5 थे और अभी 7 हो गए हैं। कौन थे पहले? मानस, नामेरी, काजीरंगा, औरंग, डिब्रू साइखोवा। मानस आपको याद रखना है इस तरह से, मानस, नामेरी, काजीरंगा, औरंग, डिब्रू साइखोवा। पांचवा, छठा कौन हुआ? तो छठा हुआ रायमोना नेशनल पार्क। और वही सातवां कौन हुआ? तो दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क सातवां हुआ। तो यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। बात करते हैं यहाँ पर टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो टाइगर रिजर्व है मानस, नामेरी, काजीरंगा और औरंग। चलिए देख लेते हैं कि राजस्थान के सीएम कौन है। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। और यहाँ पर कलराज मिश्र राज्यपाल हैं। ठीक है, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। वहीं पर अगर असम की बात करें तो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हेमंत विश्व शर्मा। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो जगदीश मुखी असम। ठीक है, इसे याद रखना है। वहीं अगर मणिपुर की बात करें तो नजमा हेपतुल्ला यहाँ की क्या है आपको इसे बताना है। ठीक है, नजमा हेपतुल्ला पुनरोन संगमा, तो इस तरह से आपको याद रखना है। वही बिहार की बात करें तो बिहार के नीतीश कुमार और फागू चौहान यहाँ के सीएम गवर्नर है। अगला बात करते हैं टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स पहल की शुरुआत भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर किया है। जो टैक्स इंस्पेक्टर है विदाउट बॉर्डर्स, भारत सरकार ने भूटान के साथ मिलकर इस पहल की शुरुआत की है। इस पहल से भूटान के साथ भारत का संबंध बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, इस संबंध में कहा जा रहा है कि ये जो पहल है इससे भारत और भूटान के बीच संबंध के में ये मील का पत्थर साबित होगा। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स में इस पहल की शुरुआत किस लिए की गई है? तो इस पहल की शुरुआत किया गया है भारत के द्वारा भूटान में। ठीक है, भूटान में जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मजबूती देने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूती देने के लिए भारत सरकार द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है भूटान की। वहीं बात करें भूटान का राजधानी कहाँ है, भूटान का राजधानी है थिम्पू। भूटान का कैपिटल कहाँ है? थिम्पू। ठीक है, और अगर इसके करेंसी के बारे में बात करें तो नगुलत्रम, बहुत ही यूनिक है तो ये याद रहेगा नगुलत्रम। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? लोटे शेरिंग। तो ये बात हो गया यहाँ से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है एनएसडीसी ने किसके साथ मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने व्हाट्सएप के साथ मिलकर एक डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। चलिए अगला बात करते हैं ईपीजीएस। ठीक है, ईपीजीएस एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एक टेक्नोलॉजिकल एक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एलआईसी के द्वारा ईपीजीएस टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म का शुरुआत क्या किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के द्वारा क्या होगा कि जो कॉर्पोरेट टाइप के जो ग्राहक होंगे वे अपने डाटा को, वे अपने इंफॉर्मेशन को यहां से देख पाएंगे। ठीक है, अपने से देख पाएंगे किसी भी टाइप के अगर क्लेम करना हो या फिर उस क्लेम को ट्रैक करना हो तो इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का यूज करके वो कर सकते हैं ईपीजीएस के द्वारा। वहीं बात करते हैं ईपीजीएस के अभी चीफ कौन है? तो एम आर कुमार हैं।
एम आर कुमार। और एलआईसी का स्थापना कब हुआ था, तो सितंबर 1956 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोविड 19 आर्थिक परिवार सहायता योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कोविड 19 आर्थिक सहायता योजना का शुरुआत किया गया है। कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरुआत किया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा, यहाँ के सीएम है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी हैं और इनके द्वारा मतलब ये कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत ये होगा कि अगर कोविड 19 के कारण अगर किसी परिवार के किसी सदस्य की जान चली गई है, परिवार का कोई सदस्य कोविड 19 के कारण खो दिया गया है, तो उन्हें पचास हजार रुपये का सहायता राशि दिया जाएगा। ठीक है, और वही बात करें कि अगर जैसे कोविड 19 के कारण किसी परिवार में अगर कोई एक ही आदमी कमाने वाला था और उनकी मृत्यु हो गई है, तो वैसे परिवारों को 2500 रुपये पर मंथ यहाँ पर आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, 2500 रुपये पर मंथ आर्थिक सहायता के रूप में इस योजना के तहत दिया जाएगा। ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। ठीक है, आप अगर इस सेशन को पूरा देखिए, इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप देख डाउनलोड करके आप इसे रिवीजन कर सकते हैं। आप हमारे अगर आपको करंट अफेयर्स का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए सेफ रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे आपके लिए और भी बहुत ही बेस्ट कंटेंट, आपके लिए एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे। और अभी हमारे चैनल पर 100 डेज टारगेट बैच, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो आप 100 डेज टारगेट बैच को ज्वाइन कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। कल यानी कि 28 जून 2021 से जितने भी वीडियोज होंगे उसके रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग अब मिलेंगे कल के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ।